हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ विकेट टेक टीम। आज हम बात करने वाले जो गैलरी के अंदर आप अपनी गैलरी के अंदर अपना जो फोटो हैं, जो भी आप खींचते हैं नॉर्मली फोटो को आप कैसे अपने फ़ोन से ही एडिट कर सकते हैं बिना किसी ऐप का इस्तेमाल किए। तो हेलो फ्रेंड्स, फटाफट कर लीजिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी गैलरी में आ जाना है और किसी भी एक फ़ोटो को क्लिक कर लेना, और नीचे जो एडिट का ऑप्शन दिया गया है उस फोटो के नीचे आपको उस पर सिंपली कर देना है क्लिक। क्लिक करते से बहुत सारे उसमें ऑप्शंस आ जाएंगे। पहला ऑप्शन जो है वो क्रॉप का दिखेगा, सिंपली इस पर क्लिक करते से आप अपने फ़ोटो को कर सकते हैं क्रॉप। अपने फ़ोटो को जितना चाहे उतना साइज़ में क्रॉप कर लीजिए, उसके बाद फिर उसको आगे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर आप इधर से स्वाइप भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्रॉप के बहुत सारे फ्रेम रेट हैं, आप उसके हिसाब से भी अपने फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना, नॉर्मली हमने क्रॉप कर लिया। फिर इसके बाद फिर सिंपली जो एडजस्टमेंट का ऑप्शन है इसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑटो पे क्लिक करेंगे तो ऑटो पे ये जो है काफ़ी ज़्यादा अपने आप ही जो है मैन्युअली एडजस्ट कर लेगा, जो नॉर्मल था वो ये था। इसके बाद फिर ऑटो में बढ़ाने के बाद कुछ इस प्रकार का होगा। तो इसके बारे में हम पूरी बाद में बात करेंगे, अभी हम आ जाते हैं फ़िल्टर के ऑप्शन पर। फ़िल्टर के ऑप्शन के ऊपर देख सकते हैं इसमें बहुत सारे फ़िल्टर्स दिए गए हैं, करीब इसमें आपको 15-20। तो इसके जो फ़िल्टर का ऑप्शन है ये वाला है। इसके बाद फिर ये जो आपको जो दिया गया है कि कलर का, अगर आप कुछ भी इसमें आप पेन टूल है आप इस पर कुछ भी लिख सकते हैं चाहे तो, या फिर पेंट कर सकते हैं, कुछ भी आप इसमें कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे कलर भी दिए गए हैं, कलर के ऑप्शन, ट्राइंगल, फिर सिंपली एक लाइन दी गई है, सर्कल का भी ऑप्शन दिया गया है, एरो का भी ऑप्शन दिया गया है। तो आप ये सारी चीज़ें का इस्तेमाल कर सकते हैं जो जो इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर जो ये वाले जो सेक्शन है इसके अंदर आपको सारे के सारे कलर मिल जाएंगे बहुत सारे, इधर से आप साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको साइज़ रखना हो, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इधर पे सिंपली जो इसके अंदर जो कलर का ऑप्शन है फिल, हम जो पूरा कलर है वो फिल करते हैं टेक्स्ट के अंदर। तो टेक्स्ट हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने टेक्स्ट के सेक्शन में गया हूँ, टेक्स्ट सेक्शन मैंने वीके टेक टीवी डाल दिया है। तो वीके टेक टीवी लिखने के बाद सिंपली आप देख सकते हैं सिंपली ऊपर जो आपको ये तो टेक टीवी दिखाई दे रहा, अब नीचे आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कलर, ठीक है। उसके बाद फिर आप कुछ बॉट करना चाहते हैं यहाँ से आप बहुत डार्क कर सकते हैं, फिर जस्ट इसके बाद आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे कलर का ऑप्शन दिया गया है। तो आप किसी भी तरह के कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आप कलर चाहें, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड फिल का मतलब है आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो पूरा का पूरा फिल कर देना है, उसमें पीछे कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर मॉस्को ब्लर, सिंपली आप ब्लर पर आ जाते हैं, ब्लर का सेक्शन है। तो ब्लर आपको कितना रखना है, जहाँ जहाँ ब्लर रखना है आप उस पर हाथ से भी कर सकते हैं तो वो थोड़ा आपको ब्लर दिखाई देने लगेगा। फिर इसके बाद आप कितने का साइज़ रखना चाहते हैं वो भी इस साइज़ वाले सेक्शन से कर सकते हैं कंट्रोल। कितने प्रकार का, 3-4 प्रकार का इसमें ब्लर दिया गया है, फेस, ट्रायंगल, उसके बाद फिर नॉर्मल ब्लर, उसके बाद फिर एक और ब्रोकन ब्लर है, ठीक है। इसके बाद फिर इसके अंदर आप जो फेस है, फेस आप किसी का फेस है वो अलग से आपको मेकअप का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, ब्यूटी ऑप्शन। तो ऑटो के सेक्शन में जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक ही ब्यूटी जो है वो कर देगा, बट देख सकते हैं आप क्या फ़र्क आएगा नॉर्मल में और ऑटो में। आप इसे मैनुअल भी कर सकते हैं, मैनुअल आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा स्किन टोन, आप अपनी स्किन टोन अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए हो मैनुअली। फेस का जो साइज़ है, अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा फूला हुआ है तो उसका भी आप इससे इस वाले ऑप्शन से कम कर सकते हैं। आपके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हैं, क्या कहते हैं, डॉटेड्स हैं, तो वो भी सही हो सकता है। फिर इसके बाद फिर आपके चिक्स हैं वो कम हो जाएंगे, आइज़ आपकी जो वाइट हो जाएगी, ठीक है ना, वाइट की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, डार्क सर्कल हट जाएंगे, फिर ठीक है ना, आपके आइज़ के नीचे जो डार्क सर्कल होते हैं वो, टीथ, अगर आप टीथ आपके दिखाई दे रहे हैं हंसने में तो वो टीथ भी वाइट हो जाएंगे अगर येलो हुए तो, ठीक है। इसके बाद फिर आपको मिल जाएगा ऑल, इसके अंदर आप आ जाते हैं डाउनलोड किया उसके अंदर ऑप्शन ऑल पेटेंट, ठीक है ना, ऑल पेटेंट्स का ऑप्शन है। इसके अंदर आपको बहुत सारे पेटेंट्स मिलेंगे, तो मैं इसके बारे में तो बाद में बात कर लूँगा, अभी मैं इस वाले ऑप्शन को है जो ऑफ़ कर देता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो हमें काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, तो मैं इस सेक्शन को मैं हटा देता हूँ। अब सिंपली हम आ जाते हैं इस सेक्शन को हटाने के बाद सिंपली जो इसके अंदर आपको कुछ इफेक्ट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 3 प्रकार के इफेक्ट्स हैं। आप नेट इस्तेमाल करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, तो आपको उसके लिए इंटरनेट ऑन करके इफेक्ट्स को देखना पड़ेगा। इरेज का सेक्शन है, इसमें आप किसी भी पार्ट को इरेज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये फेस हटाया, मुझे इरेज करना है तो मैंने सिंपली इरेज के सेक्शन पर क्लिक किया और थोड़ा सा रोटेट होगा और देख सकते हैं आप पूरा इरेज, आपको सही से पता भी नहीं चलेगा साफ़ सुथरा कि इधर पर कुछ था भी, तो ये काफ़ी सही इरेज भी करता है। तो आप इससे अपने किसी भी फ़ोटो के सेक्शन को कर सकते हैं इरेज। तो मैं इस बार आपको पूरा का पूरा जो हमारे पास ये जो पर्सन जो ये लेटा हुआ है मॉडल, हम इसी को पूरा का पूरा रिमूव करके दिखाएंगे।
तो अभी जस्ट थोड़ा सा वेट करना है, देख सकते हैं प्रोसेसिंग चल रही है और प्रोसेसिंग ख़त्म होते से ही देख सकते हैं सब कुछ रिमूव, देख सकते हैं यहाँ पे पहले ऐसा था अब कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं इस तरीके से आप रिमूव वाले सेक्शन से सब कुछ रिमूव करते हैं। बिलर का सेक्शन सर्कल बिलर है, ट्राइंगल बिलर है, तो सर्कल बिलर में आपको देख सकते हैं जो भी सर्कल का सेक्शन के अंदर है वो सेक्शन दिखाई देगा, उसके बाहर का सेक्शन बिलर हो जाएगा जैसा कि अभी आपने देखा। तो इस तरीके से आप अपनी जो फोटो को एडिट कर सकते हैं और फाइनली हम आ जाते हैं अपनी एडजस्टमेंट मोड पे। ऑटो मोड के बारे में आपने देख ही लिया, ऑटो मोड में सब अपने आप लाइटिंग वाइटिंग सब अपने आप हिसाब से ही बढ़ जाती है, तो इसे अगर आप मैन्युअली करेंगे तो आपको कितना फ़ायदा होगा। सिंपली ब्राइटनेस के ऑप्शन में जाना है अपने, आपको ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है, फिर कॉन्ट्रा आपको बढ़ा लेना है। कॉन्ट्रा से क्या होगा, कॉन्ट्रा से आपके जो कलर्स हैं वो थोड़े इंक्रीज़ हो जाए, फिर सेचुरेशन कलर में जैसे येलोशपन वो ज़्यादा लाना हो तो वो कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप जो प्लस माइनस का सेक्शन अगर डार्क ज़्यादा होगा तो कम कर लेना है, हाईलाइट ज़्यादा होगा तो उसे भी कम ज़्यादा कर लेना है। कलरेशन का है तो कलर जो टेम्परेचर है वो अगर आपका ज़्यादा ही येलो हो गया तो आप उसे प्लस में ले जाएंगे तो आपका जो है येलो हो जाएगा, और माइनस में ले जाएंगे तो वार्म हो जाएगा। फिर कलर और भी बहुत सारा ऑप्शन है। फिर लास्ट का ऑप्शन है जो आपके साइड के ऑप्शन है, इसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा अंधेरा टाइप का दिखाने लगता है। तो इस प्रकार से अगर आप मैन्युअली एडिट करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की जो फ़ोन से ही फोटो जो एडिट हो जाएगी, तो आप अपने फ़ोन से भी नॉर्मली फोटो कोई सी भी एडिट कर सकते हैं और फाइनली फिर उसे सेव कर सकते हैं। जो नीचे आपको सेव का ऑप्शन दिया गया है उससे आप सेव कर सकते हैं, और जो साइड में एरो दिया गया है उसका इस्तेमाल करके आप अपने फ़ोन को वापस रोटेट कर सकते हैं। जो आप एक स्टेप पहले कि आपने एक स्टेप पहले फ़ोन तो आपको कैसी थी उस तरह से आप कर सकते हो। फाइनल सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना और सेव कर। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।